आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां अब जल्द ही अपनी मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगी। धामपुर में आयोजित आंगनबाड़ी संगठन की जिला स्तरीय बैठक में आंदोलन की रणनीति तैयार की गई। दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय 15,000 रुपए करने की मांग को लेकर कार्यकर्त्रियों ने लखनऊ पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया था। आरोप है कि लखनऊ में प्रदेश सरकार प्रतिनिधि के लिखित आदेश के बाद भी अब तक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों का मानदेय नहीं बढ़ा। मांग पूरी न होने पर अब आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां आगामी 9 अगस्त से SDM कार्यालय का घेराव करने की रणनीति बना रही हैं। आंगनबाड़ी वेलफेयर एसोसिएशन की जिलाध्यक्ष ने बताया कि 9 अगस्त से कार्यकर्त्रियां दिन रात SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगी। इस मौके पर संगठन की मंडल सचिव सहित सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्त्रियां मौजूद रहीं। विष्णुई है, मैं आंगनबाड़ी एवं सहायिका कार्यकर्त्री वेलफेयर एसोसिएशन की जिला अध्यक्ष हूँ। मामला हमारा ये है कि हम 25 मई को हमारा लखनऊ धरना प्रदर्शन था, जो कि हमारा अनिश्चितकालीन धरना था। हमारी बहुत संख्या में महिलाएं वहाँ पहुँची, लेकिन हमें विधानसभा पे प्रदर्शन ने करने दिया और वहाँ हमें लक्ष्मण झूला पार्क भेज दिया गया। वहाँ हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया और रात के करीब 8 बजे के करीब हमारे पदाधिकारियों को, विभिन्न जिलों के जो पदाधिकारी हैं, उन्हें वहाँ बुलाया गया वार्ता के लिए। और वार्ता में शिव प्रताप यादव ने वहाँ लिखित दिया कि बहनों की, आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय बढ़ेगा और सारी समस्याओं पर आपका विचार किया जाएगा, हम आपको लिखित रूप में देते हैं। हमारे पास उस चीज़ की व्हाट्सएप पे भी और फोटो वगैरह सब उपलब्ध हैं और वो हमारे पास प्रति भी मौजूद है जो उस समय उन्होंने लिख करके दी। और हमें 8 दिन का समय दिया कि 8 दिन के अंदर अंदर आप लोगों का मानदेय बढ़ोतरी हो जाएगी। कितने मानदेय की मांग चल रही है अभी? हमारे मानदेय की 15,000 मानदेय की हमारी मांग चल रही है और हमें केंद्र सरकार केवल 3,000 रुपया देती है। केंद्र, ये लोग कहते हैं कि केंद्र सरकार की स्कीम है और राज्य सरकार हमें 200 रुपये महीना देती है। जिस राज्य सरकार में एक्स्ट्रा काम हमसे लिया जाता है, हमारी बहनें जो कि विकलांग हैं, कई बहनें मेरी यहाँ भी मौजूद हैं जिनके हाथ पैर भी कटे हुए हैं, उनसे BLO में ड्यूटी कराई जाती है। जैसा जो ये मीटिंग आपकी चल रही है, ये किस संबंध में चल रही है? ये मीटिंग हमारी इस संबंध में है, आज सरिता जी को 28वां दिन है मैनपुरी वालियों को धरने का और वहाँ 25 आंगनबाड़ियों की सेवा समाप्त कर दी गई है और बहुत सारी, मेरे ख्याल से 800 के लगभग आंगनबाड़ियों का मानदेय रोक दिया गया है क्योंकि वो धरने पे, अनिश्चितकालीन धरने पे बैठी हुई हैं। उसी के संबंध में हमारे जो संगठन ने घोषणा की है कि 9, 10 और 11 अगस्त को हमारा रात दिन का अनिश्चितकालीन 3 दिन का धरना SDM कार्यालय DM कार्यालय पे निश्चित किया गया है। उसी के संबंध में आज हमारी मीटिंग रखी गई है और उसमें हमारी मेन मांगे हैं कि हमें BLO से हटाया जाए। और दूसरी बात ये है कि हमने 15,000 मानदेय की मांग सरकार से की थी और सरकार ने हमें लिख करके दिया, तब भी वादा खिलाफी की। और हम लोग सब वेतन मान के लिए यहाँ संघर्षरत हैं और हमारी जो बहनें, अपाहिज बहनें हैं, उन्हें BLO से बिल्कुल हटाया जाए और हमारी मांगों को पूरा किया जाए। इसी संबंध में हम सब लोग सड़क पर उतर आए हैं। हमारा आंदोलन, ये आंदोलन हम ये सोचते हैं कि हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सब बहनें एक हैं, अगर हमारी सरिता बहन की गिरफ्तारी होती है तो हम सब बहनें मैनपुरी जाएंगे और जेल भरो आंदोलन करेंगे।